बिहार शरीफ के टाउन हॉल में केंद्र के 9 वर्ष बेबी साल कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यवसायी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, विधायक डॉक्टर सुनील कुमार समेत कई बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में भारत तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने का काम किया है, यही कारण है कि पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में देश का चौमुखी विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। वहीं मैं देख रहा हूं कि बिहार सरकार उस विकास को अटकाने का काम कर रही है। आप देख लीजिए, एयरपोर्ट का मामला हो, पूर्णिया का एयरपोर्ट, बिहटा का एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, सरकार जमीन नहीं दे पा रही है बिहार सरकार द्वारा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सरकार ने खोली है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रतिहाड़ी में, अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं होने का किराए पर चलाया जा रहा है। भागलपुर में प्रस्तावित किया भारत सरकार ने यार के, और एम्स के लिए जमीन जो दिया गया दरभंगा में, तो बिहार की सरकार जमीन नहीं दे पा रही है, जिससे केंद्र का विकास अवरुद्ध यहाँ हो रहा है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास जा करके है पूरे देश में, जिस तरह से स्वर्णिम काल चल रहा जा करके और देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है करके, आज़ादी के लंबे सफर में 9 वर्षों का जो वक्त है वो काफ़ी मतलब सुखद जा करके है। इसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार की सरकार मैं देख रहा हूँ कि विकास को वृद्ध करने में लगी हुई जा करके। सुशासन एवं लोक कल्याण की अवधारणा पर विगत 9 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में विकास गति को तेजी से बढ़ाया है और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ साहस और अपने करिश्माई व्यक्तित्व से भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र की दिशा में अग्रसर किया है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को यशस्वी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक वक्त था कि जब विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री विकसित राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष के पीछे घुमा करते थे। एक वक्त है कि अब भारत दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसमें उस संधि के लिए उन्हें बुलाया जाता है। और भारत में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक बड़ी उछाल आई है, चाहे वो सुशासन का सवाल हो, चाहे दूर संचार का हो, सड़क संचार का हो, सभी क्षेत्रों में भारत ने एक मुकाम पाने का काम किया है। आज व्यवसायी सम्मेलन के अवसर पर हम सब इसे संबोधित करेंगे और महागठबंधन की सरकार आने के बाद व्यवसायियों के साथ अपराधियों का जो खुले तौर पर उन्हें प्रताड़ित करने का एक अभियान चला है, यह महागठबंधन की सरकार की विफलता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।